तो फ्रेंड क्या हाल चाल, मैं आ गया हूँ एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो में ढेर सारी इंटरटेनमेंट कॉमेडी वीडियो है, तो वीडियो देखिए, एंजॉय करिए। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और अगर आपका कोई रिश्तेदार या फिर फ्रेंड सिंगल है तो उसे ये वीडियो जरूर सेंड करना, क्योंकि सिंगल लड़कों के लिए हमने एक लड़की ढूंढी है। इसका नाम है चंपा कली, उम्र 33 साल, काम गोबर उठाना और ख्वाहिश, शादी करेगी तो सिर्फ वीडियो देखने वाले लड़के से। अगर आपने मुस्कुराया तो रिश्ता पक्का। कूफ बनाओगे मुझे दुनिया वालों, मुझे अकल बादाम खाने से नहीं, माँ की चप्पल खाने से आई है। सोचकर नींद नहीं आती कि पता नहीं मेरी वाली खाना बनाना सीख रही होगी या मुझसे ही बनवाएगी। चैटिंग की परिभाषा पता है किसी को? चलो मैं बता देता हूँ। बिना देखे एक दूसरे के दिमाग को चाटने की प्रक्रिया को चैटिंग कहते हैं। डियर बेस्टी, ख्याल रखा करो अपना, एक ही तो चुड़ैल है मेरे पास। कहते हैं ऊपर वाले ने हर किसी के लिए किसी ना किसी को बनाया है, कहीं मेरी वाली ने आत्महत्या तो नहीं कर ली, पगली मिल ही नहीं रही। मेरे हालात ऐसे। हे खुदा, एक दे नेक दे और बेवफाओं को नाली में फेंक दे। ये वीडियो स्पेशली मेरे प्यारे दोस्तों के लिए है। दोस्त हर खुशी तेरी तरफ मोड़ दूं, तेरे लिए चांद तारे तोड़ दूं, खुशियों के दरवाजे तेरे लिए खोल दूं, इतना काफी है या दो चार झूठ और बोल दूं? मेरे मैसेज का जब कोई रिप्लाई नहीं देता तो मैं ये सोचकर खुश हो जाता हूँ कि मैंने उसकी बोलती बंद कर दी। बुरा लगता है जब मोहल्ले के छोटे बच्चे पूछते हैं, भैया तुम्हारी गर्लफ्रेंड का क्या नाम है? मोहब्बत करने वालों को इनकार अच्छा नहीं लगता, दुनिया वालों को इकरार अच्छा नहीं लगता। जब तक लड़का लड़की लेके भाग ना जाए, घर वालों को प्यार सच्चा नहीं लगता। जो लड़की मुझे अपना भाई मानती है वो मेरे फोन में रिचार्ज करवा दे, क्योंकि बहुत पैसे होते हैं बहनों के पास। आपका अपना बेरोजगार भाई। हम शायद आपको परेशान कर रहे हैं, ये मेरा लास्ट मैसेज है, अब से हम आपको परेशान नहीं करेंगे। आपको लगता है कि हम ऐसा बोलने वाले हैं तो सॉरी, हम हमेशा आपको ऐसे ही परेशान। कहते हैं जहां आदमी को धोखा मिले वहां कभी दोबारा नहीं जाना चाहिए, लेकिन क्या करे भाई, ससुराल तो जाना ही पड़ता है। किसी लड़की को इतना भी मैसेज ना करो मियां जी, कि वो खुद को करीना और तुमको कमीना समझे। कल रात को एक ब्रेकअप गाना सुन के गर्लफ्रेंड की याद में एक घंटा रोया, फिर याद आया यार मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, फिर 2 घंटे रोया। जिनकी प्रोफाइल पर उनका फोटो ना हो कृपया वो मैसेज ना करे, जब तुम मुंह दिखाने के लायक ही नहीं तो फिर कैसी दोस्ती। हम जैसे गरीब लड़कों का सपना होता है पहले पढ़ाई, उसके बाद नौकरी, उसके बाद शादी, लेकिन 12th पास करते ही हमारे घर पे लड़की वालों का लाइन लग जाता है। शादी करने का मन तो नहीं होता, लेकिन लाल रंग के अपाची को देख के मन पिघल जाता है, और अपनी शादी में हम भी गाते हैं। लगता है जैसे तारे संसार की शादी है। हमारे सारे उचक्के दोस्त टल्ली होकर हमारा हौसला बढ़ाते हैं, लेकिन शादी के बाद हमें अपाचे पर चढ़ने का मौका भी नहीं मिलता, और बीवी के कपड़े धोते बस यही गाते रह जाते हैं। मेरे हालात ऐसे हैं कि मैं कुछ कर नहीं सकता। कुछ लोग नाम ऐसा करते हैं कि काम हो जाता है, कुछ लोग काम ऐसा करते हैं कि नाम हो जाता है, फिर आते हैं मेरे जैसे लोग, साला कुछ भी कर लो कांड हो जाता है। सैड स्टेटस डालकर खुश रहने का जो मजा है ना, नो नो नो, उसकी बात ही कुछ अलग है। दुनिया के सारे दुख एक तरफ, और एग्जाम में पहले बेंच पे बैठने का दुख एक तरफ। तुम हल्की सी मुंडी हिला दो चीटिंग के लिए, टीचर तुम्हारी गोद में आके बैठ जाएगा। क्या कर रहा था? अपनी शादी के मंत्र पढ़ रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं क्या कर रहा हूँ। जैसे क्या भैया? भगवान का दिया हुआ सब कुछ है मेरे पास, गंदी शकल, किस्मत, कमीने दोस्त, गाना देने वाले रिश्तेदार, कोई कमी ना है।
पगली 4 दिन से मेरा व्हाट्सएप नंबर मांग रही है। अब उसे कैसे बताऊं कि मेरा बटन वाला फोन है। घंटों लग जाते हैं एक वीडियो बनाने में, आपको शर्म नहीं आती बिना लाइक किए निकल जाने में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए हमारा वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चलिए हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।